टाइम सबको सर्दी लग रही है, ये नीचे आके बैठे हुए हैं, डायमंड डब भी नीचे बैठी हुई है और ये फिंचेस भी नीचे बैठी हुई थी, इनको सर्दी लगने लग गई है। डायमंड डब आप ठीक हो? कहती जी मैं ठीक हूँ, इतना मेरे पास नहीं आओ। और बाकी माशाल्लाह सारे ऊपर बैठे हुए हैं। और दोस्तों मास्टर केज में जब भी आओ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सब परिंदे अपनी अपनी मर्जी से बोल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, लेकिन ये मुझे देख के फिर भी थोड़ा बहुत डर के इधर उधर बैठ जाते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे छुप के आओ और इनको छुप के देखो, माशाल्लाह ये इतनी मस्तियों में होते हैं, दिल करता है कि बस इनको बैठ के देखते रहो। सबकी अपनी अपनी मस्तियाँ होती हैं। और दोस्तों माशाल्लाह ये भी बहुत मस्तियाँ करते हैं। भाई यार मेरे से क्यों डर रहे हो यार, आप तो मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको इन हाथों से खिलाया है, इन्हीं हाथों से खिलाया है जिनको आप मारना चाहते हो। तो दोस्तों माशाल्लाह बल्लू हमारा कितना बड़ा हो गया और बगीरा जाके ऊपर बैठ गया। ये दोनों शहजादे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो, कैसी हो महबूबा, ठीक हो? दोस्तों आज थोड़ी देर तक हम जाएंगे यहाँ पे शॉपर लगाने के लिए, लेके आएंगे जिससे इनको सर्दी कम लगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ी थोड़ी हवा ऊपर से भी आएगी तो बस मेन जगह बंद हो जाएगी, ताकि इस जगह पर हवा आए लेकिन बहुत कम आए। फ़ौरन से ऊपर चला गया, मुझे लगा मेरे पास आया, मेरा दिल तोड़ दिया इसने। तो दोस्तों माशाल्लाह ये सारे तो ठीक है, मुझे पता है आप लोगों से वेट नहीं हो रहा, आप लोग देखना चाहते हैं कल हम क्या लेके आए हैं। अपने प्यारे नन्हे से रैबिट को तो मिलने, बटेर भी यहाँ पे खाना खा रहा है। और दोस्तों ये पिंजरा हमारा मास्टर केज में फ्री पड़ा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से पेट्स आने हैं और स्लो स्लो आ भी रहे हैं। और ये माशाल्लाह ये न्यू बटेर है दोस्तों, इसके कितने ज़्यादा पर आ भी गए हैं। और ये इसकी टांग को क्या हुआ है? एक मिनट भाई, तेरे टांग को क्या हुआ है? एक मिनट यार, मैं तुझे देखना चाहूँ, ये क्या हुआ है? एक मिनट, कुछ नहीं हुआ भाई, तेरी टांग ठीक है। वो एक मिनट भाई इधर आना दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेते हैं, क्या हुआ है? ठीक हो दोस्तों, इसको क्या हुआ है? वैसे लग तो कुछ नहीं रहा। हाँ जी डायमंड, आप भूख लगी है, मेरे पास आना चाहती हो? भाई इधर बैठो एक मिनट, क्या हो गया ये? नहीं कुछ भी नहीं हुआ टांग। एक मिनट दोस्तों, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया, सर्दी तो नहीं लग गई इसको? चल के ऊपर जाओ भाई, क्या हो गया, इधर जाओ दोस्तों, इसकी समझ नहीं आ रही इसको क्या हो गया, इसको अभी अच्छे से देख लेते हैं। माशाल्लाह पुराने वाला बटेर बिल्कुल ठीक है, रैबिट भी माशाल्लाह ठीक है, और बाकी सारे परिंदे तो माशाल्लाह ठीक ही हैं। और दोस्तों इसने मुझे टेंशन में डाल दिया, कोई नहीं, इसको अभी आगे तरीके से देखते हैं। ये वैसे तो ठीक है दोस्तों, मज़े से लगा हुआ है, पता नहीं इसको क्या हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ी देर तक देखते हैं। और माशाल्लाह ये बच्चे दो अंदर ही हैं, एक ऊपर ही है। दोस्तों शुक्र है ये फैसला हमने अच्छा ले लिया, इनको वापस इनके माँ बाप के पास छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों मुझे डर लग रहा था कि इनको कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ऊपर वाला बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, अपने बाप के पास बैठा हुआ है, और माशाल्लाह उसके और भाई बहन उस मटकी में हैं और कुछ बच्चे इस मटकी में हैं, बाकी सारे परिंदे ठीक हैं। और अब हम चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को दिखाते हैं अपनी न्यू कैट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी कैट्स के पास पहुंच गए हैं, जो कल न्यू आई हैं, ये देखें। ओए ये तो पुराने वाली स्नो और माइकल, नीचे स्नोबर और बेला, और दोस्तों नीचे इनके नाम पता नहीं क्या है दोस्तों, इनके नाम हम खुद रखेंगे। माशाल्लाह दोनों पिकी फेस में हैं, ये फीमेल है और ये मेल है। इन दोनों की आंखें थोड़ी बहुत गंदी हुई हैं, क्योंकि ये रात से आए हुए हैं, तो दोस्तों इनकी आंखें वगैरह साफ़ नहीं की। इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, ऊपर जो हमारा माइकल है वो भी पिकी फेस है, लेकिन उसकी एज थोड़ी कम है, इसकी एज ज़्यादा है, और इसकी फ़ीमेल की एज भी कम है। दोस्तों ये इसकी फ़ीमेल नहीं है, ये पेयर नहीं है, वो इनका बाप है, मतलब ये उसकी बेटी है। और
दोस्तों माशाल्लाह नन्हे नन्हे तीन बच्चे भी हैं और वो भी उसी के बेटे हैं, लेकिन इनकी माँ अलग अलग है दोस्तों। इनकी माँ भी अलग थी और इसकी माँ भी अलग थी। ये थोड़ी अपने बाप के फेस पे गई है, ये थोड़े अपने माँ के फेस पे गए हैं। और दोस्तों ये चारों बच्चे इसी के हैं और ये इनकी बड़ी बहन है। और इनमें से मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह ये पाँच न्यू बच्चे हमारे पास पहुँच गए हैं। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले हम बच्चों को खोलेंगे, फिर इनको खोलेंगे और इनको भी खोल के चेक करेंगे कि ये इनके साथ फ्री होते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये स्नोबेल से भी बड़ा है, इसका कलर सेम स्नोबेल जैसा लेकिन फेस डिफरेंट है। और दोस्तों एज में भी मुझे लग रहा है फ़र्क है, क्योंकि नीचे वाला मुझे बड़ा लग रहा है। तो दोस्तों इसको खोलते हैं। आ जाओ नन्हे बच्चों, आ जाओ बाहर। दोस्तों रात को ये पिंजरा हम ऊपर से लेके आए थे, लेकिन हमने गलती कर दी। पिंजरा हम छोटा ले आए, इस पिंजरे को वापस ऊपर शिफ्ट करना है और ऊपर से बड़े वाला पिंजरा नीचे लेके आना है। तो दोस्तों आज के आज वो करना है, क्योंकि इन बच्चों के लिए जगह बहुत कम है और अंदर हम वॉशरूम ट्रे भी नहीं रख सकते। जैसे उधर पड़ा हुआ है वैसे हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते। खेलना स्टार्ट कर दिया है और माशाल्लाह तीनों बहुत प्यारे हैं। सुभान को सबसे प्यारा ये वाइट वाला लगा है, लेकिन दोस्तों मुझे तो तीनों बहुत प्यारे लगे हैं। तीनों माशाल्लाह फ्लफी और क्यूट हैं। और माशाल्लाह ये देखें दोस्तों खेलने लग गए हैं, जब से आए हैं कल से ये खेलना चाह रहे हैं। और इनको मैंने अभी खोला है और ये किससे खेल रहा है? अच्छा पत्थर से खेलना स्टार्ट हो गया और दो ऊपर पहुंच गए। तुम्हारे भाई बहन ऊपर चले गए हैं। हेलो। सुभान इनको अभी ब्रश भी करना है, इनकी हालत थोड़ी ख़राब है। ये देखो इनके बाल ख़राब, इनको चलो जाओ अपने भाई बहन के पास चले जाओ ऊपर। माशाल्लाह दोस्तों एक ऊपर पहुँचा हुआ है, वो पहुँचा हुआ है और दो नीचे। यार इनको भी खोलते हैं। भाई इधर से गिरे ना, नज़र नहीं आना किधर गए हो। आजो बच्चों आप भी आजो बाहर, आप भी आजो 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 आजो। माशाल्लाह उनकी बहन सबसे पहले बाहर आ रही है। दोस्तों इसकी एज 5 मंथ्स है और इन बच्चों की एज 2.5 मंथ्स है। तो दोस्तों ये इनकी बड़ी बहन है। और वाइट वाला किधर, अभी तक नीचे नहीं आया? वो ऊपर ही अभी तक। सुभान ये अभी हमने करना है इस किधर, वो पहुँच गया, नीचे ले गिरना। तो दोस्तों सुभान मैं कह रहा हूँ आज सबसे पहले ये पिंजरा हमने ऊपर शिफ्ट करना है। दोस्तों ये मैं पिंजरा इसलिए रात को लेके आया था क्योंकि इसके ऊपर भी ग्रीन कलर में ये शीट लगी थी जैसे इधर लगी है। तो दोस्तों मैंने ये लालच लिया कि हम इसको नीचे लेके चलते हैं ताकि हमारे बच्चे सेफ रह सकें, क्योंकि दोस्तों ठंडी हवाएँ चलने लग गई हैं तो इनको सर्दी से बचाने के लिए मैं ये ले आया। लेकिन ये ले तो आया, इसमें दोस्तों हम ट्रे रख ही नहीं सकते। स्नो बाहर आओगी। दोस्तों स्नो को भी खोलते हैं, देखते हैं ये क्या करती है। आ जाओ माइकल सबसे पहले आना चाहता है, आ जाओ माइकल। ये लो उसने देख लिया, माइकल नीचे आया। मैं आपको निकालता हूँ, जंप नहीं करो। ये माशाल्लाह हमारी स्नो भी नीचे आ गई है। आ जाओ स्नोबेल, ये चला गया, स्नोबेल भी आ गया। बेला आप भी आ जाओ, आ जाओ। तो माशाल्लाह सारी कैट्स को हमने खोल दिया और स्नो सबसे पहले उनके पास जा रही है। और इनका ध्यान रखना है सुभान, माइकल स्नोबेल या बेला स्नो इनको मारे ना। माइकल मज़े से जा रहे हैं, स्नोबेल ये बैठ गया, वो अभी तक बाहर नहीं आया। मैं सिर्फ उनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। ये पहुँच गए बच्चों के पास। इसको पकड़ अच्छा बच्चे नहीं डर रहे इनसे सुभान? नहीं बच्चे नहीं इनसे डर रहे, बच्चे अपनी मस्तियों में बिजी हैं। दोस्तों वो दो ऊपर पहुँच गए और ये खेलने लग गए इसके साथ। सुभान ये डर ही नहीं रहा इनसे। वो उसने अपनी माँ तो नहीं समझा इसको, वो पहुँच गए ऊपर। यार ये तो इनके साथ भी रह सकते हैं बच्चे। एक काम करते हैं, एक पिंजरे की तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे यार तीनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हम ये कर सकते हैं स्नो को, लेकिन यार एक पिंजरे की फिर भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि ये स्नो इन्हें कुछ नहीं कह रही, ये मजे से इनके साथ घूम रहे हैं। और वो भी आ गई है फीमेल। दोस्तों इनकी बड़ी बहन भी बाहर आ गई है, ये है और ये माइकल के पास है। सुभान ये सेम हमारी गोल्डी की तरह है जी, इसका फेस गोल्डी की तरह, कलर चेंज है लेकिन इसका फेस गोल्डी की तरह। किधर गया है सुभान? फिर उस साइड में चला गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बच्चा भाग गया और स्नो वहाँ पे उनके साथ खेल रही है। दोस्तों माशाल्लाह हमारी स्नो अच्छी निकली है, इसने इनको कुछ नहीं कहा। और स्नो बेल आजो, छोटे छोटे बच्चे देखे, इनसे मिले नहीं आप? दोस्तों सिर्फ इनका डर है, ये मेल इनके साथ लड़ यार उस साइड पर खड़े हो जाओ सुभान।
वही गिर जाओगे बाहर नहीं जाना चलो साइड चलो साइड पे। वो भाग गया। स्नोबेल फाइट नहीं करनी किसी के साथ, सारे सुन लो कान खोल के, किसी ने किसी के साथ फाइट नहीं करनी, समझ आई? स्नो तो इनके पास है माशाल्लाह, स्नो इनको कुछ नहीं कह रही। वो बड़ा मेल दोस्तों बाहर आ रहा है, बस टेंशन ये है ये माइकल के साथ लड़े ना, लेकिन देख के वापस चला गया। माइकल कितना छोटा लग रहा है उसके सामने दोस्तों, ये सेम ब्रीड है सिर्फ इनका कलर चेंज है, और माशाल्लाह वो कितना बड़ा मेल है, ये छोटा लग रहा है माइकल। बस नीचे नहीं जाना यार। स्नोबेल तो मज़े से यहाँ पे दोस्तों लेटियाँ ले रहा है। वे मोहम्मद वसी, ये देखो कितनी ज़्यादा कैट्स, वो छोटे बच्चे। वसी हाई कर दो सबको, हेलो कर दो वसी, हेलो कर दो। नहीं वसी का ध्यान इधर है, वसी को नीचे छोड़ दो, जो चले जो कैट्स के पास चले जो। वसी ये चला गया, वो छोटे छोटे बच्चे। दोस्तों कैट्स के साथ हम इतना बिजी हो गए थे हमें टाइम का पता ही नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा था छोटे बच्चों के साथ, और शाम हो गई है। अभी इन बेचारों को खोला है और इनको बोला है जल्दी जल्दी भाई खा लो, नहीं तो सारी रात भूखा रहना पड़ेगा। तो अब ये माशाल्लाह जल्दी जल्दी दाना खा रहे हैं। सुबह ने दाना और फेंक दो, ये एक दफ़ा बस खाएं। अरे लड़ो नहीं यार, बस आराम से दाना खाओ बच्चों, शाम हो गई है पहले ही। वो दोनों कितने मज़े से बैठे हुए हैं क्योंकि इसको अभी मेरे से मार पड़ी है। दोस्तों अजानें हो रही हैं और फजूल में बोली जा रहा था, बोल तो मैं भी रहा हूँ, मिलते हैं बाद में। तो पहले हमने सोचा था ये वाला पिंजरा नीचे लेके जाना है और तीनों बच्चों को इसमें छोड़ना है, अब हम ये नहीं लेके जा रहे क्योंकि ये पिंजरा, इसके ऊपर 1 2 3 पिंजरों की सपोर्ट इसने दी हुई है, इसने इन तीनों को सपोर्ट दी हुई है। तो सुभान ने मशवरा अच्छा दे दिया कि भाई ये वाला पिंजरा साइड पर पड़ा है, इसको हम लेके चलते हैं, और ये काफ़ी लंबा भी है मतलब खुला है अंदर से, बच्चे हमारे तीनों कैट्स के बच्चे इसमें अच्छे से रह लेंगे। अब ये लेके जा रहे हैं और इसको यहाँ पर रहने देंगे। गुड मॉर्निंग फैल्कन, फैल्कन ऊपर चले, जब से आए हो यार नीचे बैठे। ओ एक मिनट भाई, भाई डर क्यों गए हो ये? अच्छा इस तरह आना था भाई, ये हमारे फैल्कन का स्टाइल है, इस तरह उड़ के आके मेरे हाथ पे बैठना। चलो इधर चले जाओ, इसकी रस्सी से इसे टाइट कर लेते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं ऊपर। ओ भाई नहीं 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 भाई, इधर ना बैठ, एक मिनट एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, डरते नहीं है, डरते नहीं है बच्चे, डरते नहीं है, इधर आओ, इधर बैठो। तो दोस्तों फैल्कन को यहाँ उठा दिया, और रात को छोटी कैट्स का पिंजरा भी सेट कर दिया था, और सुभान ऊपर जाकर कबूतरों को खोल के बैठ गया, क्योंकि दोस्तों रात को हमने जल्दी इनको लेट खोला था और जल्दी बंद कर दिया था। तो दोस्तों अब इनको दोबारा खोल दिया है, और फैल्कन को भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है फैल्कन, चलो चलें ऊपर, लेकिन पहले इसकी रस्सी टाइट कर लें। चलो फैल्कन ये, ओए ओए भाई तूने उड़ना नहीं था, तूने उड़ना नहीं था, उड़ना नहीं था, उड़ना नहीं था, इधर आओ इधर आओ। दोस्तों आज जब से ये आया है, आज फर्स्ट टाइम मतलब सेकंड टाइम ऊपर जा रहा है, और दोस्तों ये देखें कैट्स को हमने इस पिंजरे में शिफ्ट कर दिया था। गुड मॉर्निंग, अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को खोलते हैं, पहले इसको ऊपर दिखा के लाएं फिर आप लोगों को आगे खोलते हैं। चलो तो दोस्तों ये यहाँ पर रहेंगी, फैल्कन को हम लेके जा रहे हैं ऊपर, बस ये रस्सी ना खोल जाए पता चले फैल्कन हमें बाय बाय कर गया। भाई दरवाज़ा बंद नहीं करना, ये दोस्तों हवा से दरवाज़ा बंद होने लगा था। हेलो कबूतरो, ये देखो न्यू मेहमान। यार मैंने सोचा जब से फैल्कन आया है हम इसको ऊपर नहीं लेके आए, आज इसको ऊपर लेके चलते हैं। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, फैल्कन रुकेगा यहाँ पे। हाँ जी, तो दोस्तों अब से फैल्कन डेली छत पे आया करेगा, और इस तरह हमारे साथ आके कबूतरों को खोला करेगा और सुबहान की हेल्प किया करेगा। ठीक है, कोई कबूतर ऊपर नज़र आए इसको छोड़ना, कबूतर पकड़ के नीचे आ जाएगा। ठीक है फैल्कन भाई, ये आपकी जगह है, इतना ऊपर की तरफ चढ़ के बैठ गए हैं। हेलो, जगह आपकी नीचे है, इतना ऊपर क्यों चले गए हो? इधर आओ, अपनी जगह पे बैठो, अपनी जगह, अपनी जगह पे बैठो। नहीं भाई इसने उधर ही बैठना है। चलो फैल्कन साहब आप इधर बैठो, और दोस्तों कबूतरों को खोल दिया हुआ है, कबूतर तो काफ़ी टाइम से खुले हुए हैं, रात को बेचारों को लेट खोला था और जल्दी बंद कर दिया था, और माशाल्लाह यार अब तो तुम लोग उड़ने भी लग गए हो। उड़ो ब्लैक कबूतर, उड़ो, ये उड़ जा उड़ जा उड़ जा। नहीं मज़े ही नहीं देखते, ब्लैक कबूतर को पकड़ते हैं, एक मिनट बच गए, ये पकड़ लिया, ये ब्लैक कबूतर पकड़ लिया, इसको ऊपर छोड़े, ये चला गया।
सुबह आज हमने ये सोचा था ना कि लैला के बच्चे आ गए होंगे, लेकिन दोस्तों आज भी लैला ने हमें धोखा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपको हमारे न्यू 5 बच्चे हमारी कैट्स अच्छी लगी हैं तो फिर तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। बाय, सबको बाय कर दो, बाय बाय।